तो देखिए आपने सुना मुकेश शर्मा जी का नंबर कचू कहे तो ना हूं। मैं छोटी सी बात लेकर के गया और ये कह के भी गया था कि मंदोदरी कह रही है कि रघुवर करेंगे तुम्हें दंडित पिया। और वही बात है, दंडित पिया और मंडित पिया वही बात है। बुला रहे क्यों भैया, तुम काका कह मरे हो, तुम कंपटीशन गई हो। दूसरी बात, एक बात बहुत अच्छी कह रहे बाल कि जी हमारी बहन जी है आगर आते आमते घेवरू लावते दियो जो भवाते ए तेनी मन 100 रुपया ना दे जे भाई तू परकेटा सो हेरवा मरे मराया सो। कम से कम यार शर्म करो कि बहन जी है आगर आते आई है घेवरू लाई है तो पैसा उड़े रही है तो जेउ ना मरी सारे पास दे दू बहन जी ने भी दाम है जय शिकायत गुरु तो है। जय हो, हमारी बहन जी आई है कितने प्यार से कह रहे हो बहन जी आई है। दूसरी बात, एक बात और कह रहा था कि दो चार साल से गा रहे हो बेटा तेरे जन्मू ना होगा अगर औकात की बात करे तो तू गाने की बात करे। किशन शर्मा जी मौजूद है, भजन शर्मा चले गए, उनसे पहले भी दंगल होते थे और आज भी हो रहे। तेरे जन्म तो कल परसों को है, हमारी बात कर रहा तो तू जान तो का है कल पल पड़े हो। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जब पगड़िया 7 साल से पहन रहे हो रोहतास के चैनल पे तेरी औकात नहीं इस पगड़ी को बांध ले तू और तेरा गुरु भी। पगड़ी का ही बहुत बड़ी तपस्या चाहिए। ये जान तो कहां है पगड़ी का है, खोपड़ी है बाहर ना कबड़ी पगड़ी है बांध ले भाई। कैसे कैसे जमाना है। एक बात और कह रहे थे कि रावण कर्म तो कैसे हुए, लेकिन विद्वान था पंडित, विद्वान था अब एक बात बताओ, आदमी की कर्म से पहचान होती है शरीर से? तुम्हें पूछ रहा हूं मैं, कायते होते भैया कर्मते होते करा है, कर्म कैसा भी हो मांस खावे तो हम किस देंगे भैया, कर्म कैसे हो? हाँ हम देख के आए, रावण कह रही है हम खोल के दिखा देंगे। नंबर बोलियो पे पे। और एक बात तो बहुत ही अच्छी कह दो, मुझे ही जल लग रही, कह तो कहा कर तो कहा, कर भीकम रसिया का जवाब ले लिया तो अपने बाप के अंश से पैदा नहीं, या जय विश्वास ना बाप के अंश से पैदा करना है, बाप के अंश से पैदा नहीं मैं। तू ही ना है सुभैया, तू तू ही ना का चक्कर वाले, हम अंश से पैदा है, लेकिन जो कह रहा हूं मैं अपने बाप के अंश से पैदा नहीं, हम जो कह रहे हैं हम अपने बाप के अंश से पैदा है, हम दावा ठोकरे जावाते हां तो कहते हैं। और एक बात कह रहे थे कि मैं 60 किलो का हूं, रसी 80 किलो का होगा, कैसे लटका ले वो ईंट लटका के दिखा दे, ईंट की काचली थे पूरे पर्व नागा बाबा मान लियो तू, ते पूरे ते पूरे परिवार है ते बुआ सब अम्मो बक मत बाबे तू सबन ने लिपटे तरह उठा दो मैं नागा बाबा हूं प्योर नागा बाबा, ट्रैक्टर उल्टो कर देते हैं तेरी तो औकात क्या है हमसे बात कर रहा है। लेकिन इसी नंबर पर 2020 जवाब और किस तरीके से बेटा साल थे हम ते बात कर रहे थे, पर मैं गाना नहीं चाह रहा था, मैंने बताया कि मुझे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तेरी इस बात ने मुझको खड़ा कर दिया। कह जे पागल है जो दीदड़ा और जो करे शेर की हो, अरे था पुतई जब शेर ने और जाको दयो है पूतर हो। अब देखो कि तुम्हारे खाड़े में तो ओमी शर्म आए, चूंकि तू शर्म आए जब ही तो शर्मा दी करो, लेकिन जब मुझे भरमा चले हो ना चले पर जागी तो बस शर्मा की ओमी शर्मा की और तेरी दो आ जाएगी सब मालूम पड़ जावे। रसिया जी ओमी शर्म आए चूंकि तू तो शर्म आए,
जिना देखो जब भीगम बरमाए कैसे बरमाए भीतर तक ले आओ पहन दिए खेच के भीगम रसिया कहते जाते लेकिन एक धुन गा रहे थे मेरे पेट में है रही गड़बड़ किस तरीके से बेटा ए मेरे पेट में है रही गुड़ गुड़ जब मैंने सैया जी को बतायो और दोस्तों क्या बात है जाकी इतने पर जवाब हो अब ये गा रहे थे अरे जाके पेट में है रही गड़बड़ सो पेट फुलायो जाके पेट में है रही गड़बड़ जान दिखे सो पेट फुलायो पेट तू भुला देगा तो रोटी मिल नहीं ना खाए बेगू टाइम ते पेट भुला देगा तू पेट भुलावे का 56 इंच को छीना चाहिए बाबा मैं तो भुला पेट भूल भुला सकते है मैं पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ ये बैरक दल है इसका हर बच्चा राजा नल है क्या है कितने सलक आए भाई रसिया जी लोहार लोहार ठोक ठोक के लोहार ठोक ठोक के लोहे को पिंजरा बना देता है क्या बात है लोहार ठोक ठोक के लोहे को पिंजरा बना देता है और एक मच्छर आदमी को पिंजरा बना देता है और बेटा एक देखो वह 100 रुपया हम पकड़ के लाए हुए वो रजिया जी सुन लियो क्या कहीं कंकड़ कहीं पत्थर निकलते हैं क्या कहीं कंकड़ कहीं पत्थर निकलते हैं और इनके घर में जाके देखो तो चोरी के बर्तन निकलते हैं भैया सलक आए ऐसे रजिया आए क्या सलक आए भाई इलायची ले ले इलायची घाटों पर को तो बात नहीं तो बगैर बाबा 100 रुपए हम पकड़ बेटा एक मिनट रुक जा बस हमें कछु कह लेने गा रहे थे अरे जाके पेट में है रही गड़बड़ जान जे पैसो पेट फुलायो पेट में है रही गड़बड़ जान जे पैसो पेट फुलायो अरे जी राजा बड़ो सियानो बिना जने ही बालक जायो राजा बड़ो सियानो बिना जनानी बालक जायो ये राजा बड़ो सियानो बिना जनानी बालक जायो बिना जने ही बिना जनानी जने ही हमारी बात सुन बेटा हम क्या कह रहे केवल ये देखो हम क्या कह रहे लेकिन कहना क्या दोस्तों अरे जो मोहब्बत कर रहे हो बड़े बड़े जो मोहब्बत कर रहे हो बड़े बड़े जाने कैसो देख थुपायो जी मुंह से कर रहे हो बड़ा बड़ा जाने कैसो देख थुपायो अरे जे राजा बड़ो सियानो बिना जले ही बालक जायो जे राजा बड़ो सियानो बिना जले ही बालक जायो जे राजा बड़ो सियानो बिना जले ही बालक जायो हम बताएंगे कैसे बालक जाया राजा बिलोचन का भी देखो पेट एक दिन भूल गया राजा बिलोचन का भी देखो पेट एक दिन भूल गया अरे कर्म रहा था पेट के अंदर पैदा करना भूल गया अरे पैदा करना भूल गया वो पैदा करना भूल गया वो था राजा बिलोचन अरे राजा बिलोचन का भी देखो पेट एक दिन भूल गया गर्व रहा था पेट के अंदर पैदा करना भूल गया वो पैदा करना भूल गया
गुणगान गहायो बलिन चुना था उसके उधर से बावल गुणगान गहायो राजा बड़ो सियानो बिना जनेही बालक जायो राजा बड़ो सियानो बिना जनेही बालक जायो राजा बड़ो सियानो बिना जनेही बालक जायो। और एक जन और गा रहे थे बेटा वो किस तरीके से दूसरे जन गा रहे थे रे मुझे बरसता सावन होगा झिलमिल सितारों का आगमन होगा अरे रे मुझे बरसता सावन होगा झिलमिल सितारों का आगमन होगा। अब ये कह रहे थे अरे जिन हाथों से पाला पोसा गोद में तुझे उठाया है अरे उंगली पकड़ के जिन्होंने तुझको चलना दे खुशकाया है उंगली पकड़ के जिन्होंने मुझको चलना दे खुशकाया है अरे जिन प्रेरण पोषण से सीखा प्यार भी जिनका पाया है अरे प्यार भी जिनका पाया है और उन्होंने देखो और आज मेरा ये सीना खूब दुखाया है अरे जिन्होंने देखो आज मेरा वो सीना खूब दुखाया है अर्जुन कह रहा है अरे अपनों पे तीर जो चलाना होगा अर्जुन कह रहा है केशव ये सामने सभी अपने कोई चाचा है कोई ताऊ है समूह भैया अरे अपनों पे तीर जर चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना होगा। दोस्तों लेकिन हमारा जवाब क्या है इधर से कृष्ण क्या कह रहा है अर्जुन से अरे रण से जो इनकार करे क्या जंग करे वो जंगी है क्या बात है बेटा बोलू ये बात कर रहे थे ढोलक वाले की ये बच्चा खाली सादा नहीं बजाता ये सीखा पढ़ा हुआ है अरे रण से जो इनकार करे तो जंग करे क्या जंगी है और अब देखियो ताली अरे बीच सभा में इन दुष्टन ने करी द्रौपदी नंगी है बीच सभा में इन दुष्टों ने करी द्रौपदी नंगी है बीच सभा में इन दुष्टों ने करी द्रौपदी नंगी है अरे कृष्ण जी अरे स्वार्थ का संसार है अर्जुन और सुन अर्जुन अरे स्वार्थ का संसार है अर्जुन नहीं कोई किसी का संगी है अरे स्वार्थ का संसार है अर्जुन अरे ना कोई किसी का संगी है और देख अर्जुन अरे बाद में सबरे कहाँ गए जो भाई धर्म की तंगी है अरे बाद में सबरे कहाँ गए जो भाई धर्म की तंगी है बाद में सबरे कहाँ गए जो भाई धर्म की तंगी है और अर्जुन अरे रण में जो तेरा घबराना होगा रण में जो तेरा घबराना होगा मेरे लिए तो मर जाना होगा मेरे लिए तो मर जाना होगा मेरे लिए तो मर जाना होगा। ये तो रहा इनकी बातों का जवाब। अब देखो यहाँ से 2020 मैं क्या दे रहा हूँ इनको मास्टर जी धुन दिखाएंगे क्या मिली है ऐसे लोगों से।
जिंदगी भेद रक्त छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे मुकेश शर्मा जी इधर से वसुदेव जी क्या कह रहे हैं उस कंस के लिए और इधर मैं कह रहा हूं तुमसे दो बात होती है मेरी तुम तो जो कहते रसियाई तुम तो ना कह रहे हो और मैं कह रहा हूं तुम तो कह रहा हूं और परे वसुदेव उस कंस से कह रहा है अब देखेंगे क्या जवाब लेकर के आते हैं नीचन लज्जो भयो तू पैदा पैदा तो जुमे हुए के बहन की राखी हुए बनवा रहे हैं डिब्बे हुए खा रहे हो गेवर के और 10 रुपया फिर दामना दे रहे हो मर जाना चाहिए तो चुल्लू पर पानी में डूब के अरे नीचन लच्चो भयो तू पैदा अरे दाग लगाए रहे हो साखिन में नीचन लच्चो भयो तू पैदा दाग लगाए रहे हो साखिन में और देखिए मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से शंभु भाई ये वसुदेव जी कह रहे हैं उस कंस के लिए कि तू ऐसा पैदा है वो बुलंदी नीचन लच्चो भयो तू पैदा दाग लगाए रहे हो साखिन में अपनी बहन की ले बेटोले शर्मनाए तेरी आखिन में अरे अपनी बहन की ले बेटोले शर्मनाए तेरी आखिन में है अपनी बहन की ले बेटोले शर्मनाए तेरी आखिन में और ये कैमरे पे का पुरस्कार दर्ज हमारे बड़े भाई की तरफ से और 10 रुपए का आशीर्वाद दर्ज जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे नीच निलज्जो भयो तू पैदा दाग लगा रहे साकन में और अपनी बहन की लेवे डोले शर्म ना आए तेरी आंखन में ऐसो ही शर्मदार हो तू आगरा से आई लेकिन वसुदेव क्या कह रहे अरे एक बेर ले लई दोबारा गलत बात ना है जी संतान की बात कर रहा हूं एक बेर ले लई दोबारा फिर लेवे तू बोल रहो अपनी बहन की इन हाथन से चारों लंगट टोल रहो अपनी बहन की इन हाथन से चारों लंगट टोल रहो अपनी बहन की इन हाथन से चारों लंगट टोल रहो और तो सो बेहा और बेशरम जो भैया आनंद वारो करा रहा है जो बताओ पहले ऊपर हाथ करके बताओ आनंद वारो करा है देखिए मुकेश शर्मा ने कह रहे तो उन्हें दे दो देखो अरे ये 500 रुपए का पुरस्कार भाई बीजो रसिया जी तुम्हें विद्या ही दौड़ता अगर असली बर्मा है तो बर्मा वाले के छेद कर दूंगा पूरा छेद और नहीं सुना राय में मिलूंगा तुम में छेद में कर दूंगा देखो मेरी बात सुनो ये बात सही है बहुत बढ़िया आनंद आ रहा दो लग जाओ दोनों भाइयों से कहना है अरे दौड़ते पैर कभी रुक नहीं सकते कुछ कर्ज दुनिया में ऐसे भी है जो चुक नहीं सकते और अगर तुम दोनों असली गुरु के पट्ठा हो मेरी जान तो जो असली गुरु के चेला होते हैं वो कभी दंगल में झुक नहीं सकते समूह भैया बाबा आज कॉम्पिटिशन हो तो समूह भैया को और रसिया को मैंने मुकेश शर्मा से आज 3 महीने भी पहले कहा था तो मेरे सामने मत आया कर फिर भी व्याजी ले ली और मोदे फोन कर रहा था मैं 6000 में लई है ते पाकू तो ले रही 6000 जनता देगी तो कबू ना दे रही अरे 200 बेहा और बेशरम अरे नहीं देखो मैंने लाखनों में 200 बेहा और बेशरम नहीं देखो मैंने लाखनों में अपनी बहन की ले बे डोले शर्मनाए तेरी आंखन में हाय
पपरी बहन की बेरोले शरमनाए तेरी आंखें में अरे अपनी बहन की ले बेरोले शरमनाए तेरी आंखें में मुकेश भैया का तमन समय में संतान की बात कर रहा हूँ। हर जो भी संतान पैदा होती है सबको ले लेता है लेकिन कहना क्या है अरे आगे की ले लई तेने पीछे की ले रे ढोल रयो पहली संतान ले लिए आठवां पैदा है बारह जो ले रहे चक्कर में जय हो आगे की ले लई तेने पीछे की ले रे ढोल रयो अपनी बहनिया तो कुसार अपनी बहनिया की सारे नीचे तेले वे ढोल रयो अपनी बहनिया की सारे नीचे तेले वे ढोल रयो अपनी बहनिया की सारे नीचे तेले वे ढोल रयो तुमसे नहीं कह रहा हूँ वसुदेव कह रहा है सारे कम से कम शर्म करते ने पहली ले ले पीछे से ले रहो पर नीचे तो ले ढोल रयो अपनी बहन की तू सारे नीचे तेले वे ढोल रयो अपनी बहन की तू सारे नीचे तेले वे ढोल रयो अरे छोड़ दे सारे बहन की ले वो के तो जाकर मैं छोड़ दे तू जो भांजे ने खुद मार रहा तू छोड़ दे सारे बहन की ले वो तू मिल जाएगो खाकन में छोड़ दे सारे बहन की ले वो तू मिल जाएगो खाकन में ए सारे करते ने ये काम किया तो तू बहुत जल्दी मट्टी में मिल जाओ छोड़ दे सारे बहन की ले वो तू मिल जाएगो खाकन में अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंख में है अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंख में है अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंख में और एक काम कैसे बढ़िया करे हो या कंसन है बता दूं बनाए बता दूं ऊपर हाथ करके बताओ बता दूं बनाए अच्छा अरे बहन की मार के नाई झिकियो संतान गलत बात मत समझियो बहन की मार के नाई झिकियो तू कैसा अत्याचारी है बहन की मार के नाई झिकियो तू कैसा अत्याचारी है घर मेरी लान आपके दिल के करीब होकर के गुजरो तालियां जरूर बजाना ना समझे तो आ रहा हूँ बहन की मार के नाई झिकियो तू कैसा अत्याचारी है खास भानजी पे बेहा अरे खास भानजी पे तेनी बेहा अपनी नियत धारी है खास भानजी पे बेहा तेरी अपनी नियत धारी है खास भानजी पे बेहा तेरी अपनी नियत धारी है अरे तेरे छह पुत्र मार दे लेकिन मुझे भांजी पैदा भई जब मार में डोल लो तो जैसो नीचो तो कोई खास भानजी पे बेहात ने अपनी नियत डारी है खास भानजी पे बेहात अपनी नियत डारी है और अरे देख रहे हो व्यवहार में तेरा तो सब जानते हैं कि तू कैसे हो तो जानते हैं कि मेरी बहन है जी अरे ना बहन को रिश्ता तो निभा रहा तू कम से कम भाई औलाद की मार रहा तू ये जानते कहां है भाई देख लियो व्यवहार सब तेरो और मेरी ना जे जनता नु देख लो है कि 10 रुपया बेदा के ना दे ना तो बहन की संतान छोड़ देगा तू दे 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 अरे दोस्त तुझे मर जाना चाहिए होंगे जब ही तो दे दे अरे देख लियो व्यवहार सब तेरो थारो थारो पाखन में अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंखन में है अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंखन में अरे अपनी बहन की ले वे डोल शरमनाए तेरी आंखन में
अपनी बहन की लेवे डोले शर्म ना तेरी आंखन में। अब केवल एक ही बात बची है और बुद्धे संग होगी गारंटी नहीं होगी। तू तो जो करो भीकम रचिया सरस्वती का अपमान किया है, लेकिन भीकम रचिया सरस्वती का कभी अपमान नहीं करता है। तुम जैसे परंशी निगुरा लोग सरस्वती का अपमान करते हैं। भीकम रसिया को तो दोनों परिवार बैठो काऊ बाजे बैठा काऊ ढोल बैठा खूब देख लिया तो। लेकिन तेज सब किराए के टट्टू हैं, भीकम रसिया किराए का आदमी नहीं रखता है। तो बाजो भी बस बजा रहे तो और लेकिन कहना क्या है, कुकरम को सब खड़ा भर गयो ए सुन लियो पंच, अब ना कछु होनो, अब तो मन नो करेगो और तो डाट डाट चुकते ने बढ़िया काम ना करे बेटा ने रुक जा हम देख लेने का तो बाप बोलो तो बेटा ही का जरूरत है कोई बात ना। अरे कुकरम को सब घड़ा भर गयो कट्टा कर लो ओड़ा है, कुकरम को सब घड़ा भर गयो कट्टा कर लो ओड़ा है। अब देखिए ताली कट्टा कर लो ओड़ा है, अब तो किच्ची मार रयो, अरे अब तो किच्ची मार रयो तू देख बहन के लोड़ा है, अब तो किच्ची मार रयो तू देख बहन के लोड़ा है, अब तो किच्ची मार रयो तू देख बहन के लोड़ा है। भैया कोई गाय तो नजर आए में वो वसुदेव कह रहे अब चौकच्ची मार रहा बहन के लोड़ा देखते जो तू तो मारेगा छोड़ो ना है, अब चौकच्ची मार रहे हो जे चुकतने छे बेटा पहले मार दे भैया जाके और तने भांजी पे उन्हें डार दे बू पत्थर दे हमारी, अब जब बहन के लोड़ा देख के तू सोच सोच है रही है तो अरे अब चौकच्ची मार रहे हो तू देख बहन के लोड़ा है, अब तू किच्ची मार रहे हो तू देख बहन के लोड़ा है। और देख अरे नीच से नीच लड़ा कीर्तन में, अब जैसा मैं नीच ला रहा हूं वसुदेव बन करके गा रहा हूं और कंस से कह रहा हूं कि तू बहुत बड़ा नीच है, ऐसा ही नीच तू कंस बन करके लाना और मैं देखूंगा तू अपने जीजा के लिए क्या जवाब लेकर के आता है, तो जवाब है और तू कह देगा ना बर्फ पर तक कोई जवाब ना है। अब सारा काके को जी जाते केवल ये देखना है आपको, मैं गाता भी नहीं भीकम रसिया जो कह रहे ही करता है फिर पे का तू में बिहारी आ रहा है के रुपया दे रहे हो, अब रुपया देख को धर रहा है रुपया ना है बता रहा हूं हाँ बस यू ही रही हो। अरे नीच से नीच लड़ा कीर्तन में, अरे सायर पूछ जाखन में, जाखन पूछ रहा हूं तो है के बज रहे होंगे सवा दो बज गए, अब जाखन जा प्रश्न पूछ रहा हूं तो है जय खन जवाब चाहिए वो है, और नहीं तो तेरा अखाड़ा फकाड़ा कुछ नहीं है कोरा कबाड़ा है। जैसे मैं नीच लड़ा रहा हूं जीजा बन करके साले से कह रहा हूं, ऐसे ही साला नीच कैसे साबित करेगा मुझे, केवल जैसे नीच से नीच लड़ाओ जैसे मैं लड़ा रहा हूं। अरे नीच से नीच लड़ा कीर्तनों में, सायर पूछू जाखनों में, अपनी बहन की ले वे डोल शरम नाए तेरी आंखन में, अरे अपनी बहन की ले वे डोल शरम नाए तेरी आंखन में, अपनी बहन की ले वे डोल शरम नाए तेरी आंखन में, अरे अपनी बहन की ले वे डोल शरम नाए तेरी आंखन में। और देखिए अब जनता की भी एक फरमाइश आई कि कोई नई बात ऐसी होनी चाहिए जो आजकल गुजर रही है, ऐसी भी बात जरूरी है तो मास्टर जी लगाएंगे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और कुछ तरीके से। मुकेश शर्मा जी
शर्मा जी तुमको पूरी रात, लेकिन तुम एक उपो तो वर्मा जी ना कह सकते सले छेड़ू कर देगो मैं शर्मा जी तुमको तो बते अगर ना मिल तो इस दुनिया में अब देख रहे हो ढोल गुलाब के नाटे में बज रही है पंद्रह बीस रुपए डुम डुमी लिया सुबह देख रहे हो ढोल और तुम्हारा अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। और देखिए अभी कुछ दिन पहले टोक्यो में जापान में खेल हुए ओलंपिक के, उन खेलों में हमारे भारत के आप जैसे युवा वीरों ने अपने भारत की धाक जमा दी और एक नाम उभरा नीरज चोपड़ा। अब देखिए ये कह रहे हैं कि नई बात होनी चाहिए, अब नई बात है कि पुरानी बात है, अच्छी लगे तो केवल ताली जरूर बजाना। ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए लेकिन तुम जैसे नीच पैदा नहीं हुए, लेकिन देखना किस तरीके से क्या खेल की वो भावना। महाराज जी और ये आशीर्वाद गुरुदेव की तरफ से क्या खेल की वो भावना और प्रेम प्यार और प्रीत के और वो भारत के वो शेर भये और लाए ओलंपिक जीत गए। और ये किस रुपए का पुरस्कार हमारे महाराज जी दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना क्या है, बिन जे राम के भजन के और वो जीवन है बेकार, बिना राम के भजन के और वो जीवन है बेकार। अरे महान मूर्ति ये संत है, क्योंकि जिसको संतों का आशीर्वाद मिल जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं को उसे रोक जाए। भूत ये संत है और जिनकी बोलो जय जयकार। ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे महाराज जी की तरफ से हम इनके चरणों में सर रखते हुए आशीर्वाद कामना चाहेंगे, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। लेकर कहना क्या दोस्तों, अरे धन्य धन्य हो नीरज चोपड़ा। देखिए फिल्मों में भी चोपड़ा ने बहुत काम किए, प्रेम चोपड़ा कैसे कैसे काम किए, लेकिन एक देश का सच्चा वीर नीरज चोपड़ा जिसने पूरे विश्व में भारत की धाक जमा दी। रामवीर भैया अरे धन्य धन्य हो नीरज चोपड़ा, क्या कमाल कर डाला। और ये 21 रुपए का आशीर्वाद महाराज जी की तरफ से फिर से, अरे धन्य धन्य हो नीरज चोपड़ा, क्या कमाल हो नीरज चोपड़ा, क्या कमाल कर डाला। और दोस्तों आपको पसंद आया तो केवल तालियों का प्यार चाहूंगा, एक बार सभी जोर से जयकारा बोलेंगे, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे धन्य धन्य हो नीरज चोपड़ा, क्या कमाल कर डाला। और अरे ऊंचा भाल दिया भारत का, फेंका ऐसे भाला, अरे फेंका ऐसे भाला, अरे ऊंचा भाल दिया भारत का, फेंका ऐसे भाला, वो फेंका ऐसे भाला, ऊंचा भाल
का ठेकाए से भाला, वो ठेकाए से भाला। ऊंचा नाम किया भारत का ठेकाए से भाला, और ये सबका देखा भाला। रसिया जी और इधर से हमारी बहन जी की तरफ से एक मिष्ठान का डिब्बा, और ये 11-11 रुपया पुरस्कार सभी कलाकारों को दे रही है हमारी बहन जी। हम इनके चरणों का सर रखते हुए आशीर्वादी कामना चाहेंगे। और मैं तो ये चाहूंगा बहन जी के लिए, क्योंकि तो मुकेश शर्मा तो कंजूस आदमी है, नहीं दे सके, लेकिन मेरी तरफ से बहन जी, बहन जी मेरी तरफ से देखो सुनो, ये 51 रुपए का नहीं नहीं, ये भैया का कर, ये भाई का कर्तव्य होता है, ये मेरी तरफ से रखो, आपको मेरी कसम है, ये मेरी तरफ से रखो, मेरी तरफ से रखो। अच्छा ठीक है सर, जोरदार ताली बहन जी के लिए। दोस्तों नीरज चौपड़ा ने 87.58 मीटर वाला फेंका और इस भारत का नाम रोशन किया। और कहना क्या है, ये बेटा हिंदुस्तानी है, पानीपत का पानी है, ये बेटा हिंदुस्तानी है, वो पानीपत का पानी है। बहुत बहुत आभार है, मैं तो सुनने के लिए आया, ये पुरस्कार मेरे लिए वास्तव में बहुत कुछ है। एक बार निवेदन करूंगा बहन जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत और सम्मान हो जाए। ये बेटा हिंदुस्तानी है, पानीपत का पानी है, बेटा हिंदुस्तानी है, वो पानीपत का पानी है। अरे भारत के इतिहासों में रच दई देखो नई कहानी है, अरे भारत के इतिहासों में रच दी उसे नई कहानी है। और दोस्तों ठीक है भैया, तुम्हें तो केवल 20 साल ही नहीं काम लगा, लेकिन मैं 100 साल की बात कर रहा हूं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक आए, रजत पदक आए, ब्रॉन्ज आए, सिल्वर आए, अरे 100 साल के बाद किया है देखो खेल निराला, अरे 100 साल के बाद किया, ऊंचा भाल किया भारत का फेंकाए से भाला, अरे फेंकाए से भाला, अरे ऊंचा भाल किया भारत का फेंकाए से भाला, वो फेंकाए से भाला। और धर्मेंद्र भैया दूसरा बंद क्या कह रहा है गीत का, अरे कर दिया नाम जहान में पीर के हिंदुस्तान ने, अरे बरिया नाम जहान में पीर है हिंदुस्तान ने, अरे कर दिया नाम जहान में, अरे पीर है हिंदुस्तान में, अरे कर दिया नाम जहान में पीर है हिंदुस्तान में। अब देखिए अगर लाइन पसंद आए चाहे इधर से आए चाहे इधर से, ताली जरूर बजाओ, क्योंकि तालियों से कलाकार का मनोबल बढ़ता है, और ताली बंद तो समझो कलाकार कोमा में चला गया। अब कहना क्या है, अरे स्वर्ण पदक लाए नीरज जे भारत के सम्मान में, अरे स्वर्ण पदक लाए नीरज जे भारत के सम्मान में, स्वर्ण पदक लाए नीरज जे भारत के सम्मान में, अरे और जे फेंका ऐसा भाला, अरे ऊंचा भाल किया भारत का फेंका ऐसे भाला,
और 100 रुपए का पुरस्कार शिव कीर्तन मंडल आयरा खेरा ले रहा है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अरे टोकियो ने ये झंडा तिरंगा लहराया मतुबाला, अरे टोकियो ने ये झंडा तिरंगा लहराया मतुबाला, ऊंचा भाल किया भारत का फेंका ऐसा भाला, वो फेंका ऐसा भाला है। और कहना दोस्तों, अरे बैराग के बैरागी बन गए सबके मन के बसिया, अरे बैराग के बैरागी बन गए सबके मन के बसिया, और जो नीरज सोताला सबके मन में बस गए, अरे बैराग के बैरागी बन गए सबके मन के बसिया, अरे बैराग के बैरागी बन गए सबके मन के बसिया, गीत जा नीरज चौपड़ा के काम भी कम रसिया, अरे गीत जा नीरज चौपड़ा के काम भी कम रसिया, अरे नीरज चौपड़ा के गाए भी कम रसिया, तुम जैसे काले बालों को, अरे तुम जैसे काले बालों का करता मुकुड़ा काला। रसिया जी, पाकिस्तान में एक भी पदक नहीं आया है, इमरान खान गालियां दे रहे खिलाड़ियों को, अरे तुम जैसे काले बालों का करता मुकुड़ा काला, धन्य भाल किया भारत का फेंका ऐसा भाला, वो फेंका ऐसा भाला, अरे ऊंचा भाल किया भारत का फेंका ऐसा भाला, वो फेंका ऐसा भाला, अरे ऊंचा भाल किया भारत का फेंका ऐसा भाला, और वो फेंका भाला। अब आइए चलते हैं, जैसा कि आदेश मिला हमारे बड़े भाई का, उसी आदेश को निभाते हुए और मेरा ये अंतिम गीत किस तरीके से चलता है साहब, धुन दिखाएंगे, फूल तुम्हें भेजा है तुम्हें, और किस तरीके से